बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली जो लोग वॉच कर रहे हैं प्लीज़ शेयरिंग कर दें, कमेंट्स करके बता दें वीडियो वाइस। ओके, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा बस वेट करूँगी फिर मैं लाइव सेशन को स्टार्ट करूँगी। तब तक आप लोग शेयरिंग कर दें। ब्रांड नेम, वालेकुम सलाम यार, ये जो है ना आरफा रिवाज की हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को शो करती हूँ, थोड़े से व्यूज़ हो जाए, मैं खुद वेट कर रही हूँ, थोड़े से व्यूज़ हों फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी आज शेयरिंग कर दें, व्यूज बहुत कम है, ठीक है। ये देख लें, ये मेरे पास जो है ना, मैं इसका स्टैम्प आप लोगों को शो कर दूं, ये देखें, ये टैग लगा हुआ है, ठीक है। स्मॉल साइज के है, लग्जरी प्रीत है और आल्फा रिवाज की है, ठीक है। इन सब की मॉडल पिक्चर जो है आउटलेट पे आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है ना। लॉन जकार्ड पे बनी हुई है, ठीक है। और ये नीचे इसका बॉर्डर देख लें, इस यहां से एक बॉर्डर पे डिजाइनिंग है, ये देखें इसका जो बॉर्डर है ना, इस तरह से, ये देखें इस तरह से इस पर डिज़ाइनिंग हुई भी है, और इस तरह से ये देखें कटवर्क बनाकर और नीचे ये लगे हुए हैं इस पर, ठीक है। ये इसका मैं आप लोगों को बॉर्डर शो करवा रही हूँ पहले, ठीक है। लॉन जकार्ड है, बैक से दिखा दूँ, ये देखें जकार्ड के ऊपर बना हुआ है, और ये इसकी नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखें ये इसकी नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड है, सारे इसके ऊपर जो है जरी का वर्क हुआ है, सॉफ्ट जरी जो होती है ना, सॉफ्ट वाली जरी है, सीक्वेंस है, और ये इस तरह से इस पर मिरर वर्क हुआ है, ठीक है। बड़ी खूबसूरत सी है, लेफ्ट ओवर में ये मेरे पास कुर्तीज आई हुई हैं आरफा रिवाज ब्रांड की, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को इसका फ्रंट साइड शो करवा दिया, ये देखें ये इसका फ्रंट साइड, और ये इसकी है स्लीव्स, स्लीव्स पे भी आप लोग देख लें इस तरह से स्लीव्स पे भी वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये इसकी स्लीव्स हैं, इसकी बैक में शो कर दूं, ये बैक भी देखें, बैक पे भी इस तरह से जकार्ड का वर्क हुआ हुआ है, और ये इसके पीछे से जो है इस तरह से लूप्स और बटन वगैरह जो है ये लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है डिफेक्ट है, लेकिन इसका इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से जस्ट इसकी थोड़ी सी सिलाई लगानी है, ठीक है।
यहाँ से सिलाई लगानी है। इसी वजह से थोड़े थोड़े कुछ मसले मसाइल होते हैं, तभी ये लेफ़्ट ओवर में डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, ये आप लोगों ने इस वाली चीज़ को यहाँ से पकड़ के और जस्ट थोड़ी सी आप लोगों ने सिलाई लगानी है। ठीक है, और इसके बटन लगेंगे बैक साइड पे। ठीक है, ये इस तरह से ये आप लोगों को थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, 5-5 हज़ार की ये कुर्तीज़ हैं जो आप लोगों को बड़े ही लो प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को जो है चेस्ट साइज़ बता देती हूँ, इसका चेस्ट साइज़ क्या है, आर्म होल भी बता देती हूँ। ठीक है, आर्म होल और फैब्रिक जो है इसका लॉन जकार्ड इसका फैब्रिक है। ठीक है, इसका जो चेस्ट है 19 इंच है। ठीक है, 19 इंच इसका चेस्ट है। आर्म होल भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को, इसका आर्म होल कितना है, आर्म होल 8 इंच है। ठीक है, अगर पूरा घुमाएंगे तो 16 इंच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेस्ट साइज मैंने आपको बता दिया। अब इसका हिप साइज़ यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, हिप साइज़ इसका है 20 इंच। ठीक है, 20 इंच का है। और इसका जो दामन है, दामन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका तैयार दामन है 22 इंच का है। ठीक है, और इसकी लेंथ मैं अब आप लोगों के सामने बता रही हूँ, इसकी लेंथ क्या है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी बनती है 38 तक। ठीक है, 38 तक लेंथ बनेगी, ये आप लोग देख लें जिसे भी चाहिए हो। ठीक है, प्राइस क्या है इसके, मीडियम है, नहीं मीडियम नहीं है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज है, ये देखें 19 चेस्ट साइज में है स्मॉल। ठीक है, वैसे इनके ऊपर जो यहाँ पर जो टैग लिखे होते हैं उनसे थोड़ा सा मेजरमेंट्स चेंज आ रही होती है, इसलिए मैं साथ के साथ इंची टेप से आप लोगों को बता रही हूँ कि जिस लेंथ क्या है और विड्थ इसकी क्या बन रही है, आर्म होल इसका क्या बन रहा है। ठीक है, सब कुछ मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। 19 इंच इसका चेस्ट साइज है। ठीक है, 38 लेंथ पे है ये वाला, आप लोगों को है मिल जाएगा ये वाली शर्ट, आप लोगों को जस्ट मिल जाएगी 1750 से डन करवा सकते हैं। ठीक है, 1750 से डन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पर बस सिलाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये इसलिए लेफ्ट ओवर में आया हुआ है, बाकी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आप लोग देख लें और कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर काम भी देखें, कितना आप लोग ये इस तरह की स्टिचिंग करवा के देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने पैसे लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये भी लगे हुए हैं। ठीक, स्लीव्स पे भी इसी तरह से, ये देख लें। ठीक है, 1750 से ये वाली आप लोग शर्ट डन करवा सकते हैं। आर्थर रिवाज की है ये। ठीक है, 19 चेस्ट साइज में। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को शो करवाने लगी हूँ, ट्राउज़र भी दिखाऊंगी, साथ रहिएगा। ठीक है, ट्राउज़र भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये देख लें, ये मेरे पास जो है ये स्मॉल साइज़ वालों का है, जो छोटे बच्चे होते हैं। ये देखें, बड़ी ही खूबसूरत सी है ये, देखिए लेसिंग इस पर हुई हुई है और इस तरह से जॉइंट लेस लगी हुई है, ये सारी चिकनकारी हुई हुई है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा, और ये यहाँ पर देखें हैंडमेड बंच बना हुआ है। ठीक है, ये देख लें, हैंडमेड बंच इस पर बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा, और ये इसकी स्लीव्स सारी चिकनकारी पे, ये देखें इतना ज़बरदस्त है ये, ये देख लें, ये स्लीव्स है इसकी, फुल चिकनकारी पे स्लीव्स है, छोटी बच्ची का है। लेंथ बता देती हूँ और चेस्ट साइज भी बताऊँगी। ठीक है, ये देख लें कितनी खूबसूरत ये फ्रॉक बनी हुई है। ठीक है, एयरलाइन फ्रॉक है ये इस तरह से। अब इसका मैं आप लोगों को जो है चेस्ट साइज़ और इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ कि चेस्ट और इसकी लेंथ कितनी है। इसका जो चेस्ट है वो बनता है 14 इंच। ठीक है, सीओडी या डीसी एडवांस लूंगी, बेशक रिमेनिंग पेमेंट आप लोग जो है सीओडी पे कर देना, मुझे मसला नहीं है, लेकिन डीसी एडवांस लूंगी, क्योंकि लोग जो है ना बस समझते हैं हम पागल बैठे हुए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, पागल बैठे हुए हैं काम करने वाले, मजाक बना रखा है। और डीसी भी एक लिमिटेड टाइम होगा, उस लिमिटेड टाइम में अगर आप लोग सेंड कर देंगे तो ऑर्डर आपका कंफर्म रहेगा, वरना बिना बताए ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा।
सिंपल में दिखा दें सिर्फ कुर्ती, सिंपल में नहीं है मेरे पास, सारी एम्ब्रॉयडरी वाली हैं ठीक है, फैंसी में, लॉन में और खद्दर में भी आई हुई हैं, यानी कि मिक्स सारी आई हुई हैं ठीक है। अच्छा ये देख लें, मैं इसका आप लोगों को चेस्ट साइज बता दिया, मेरा ख्याल है 14 था ठीक है, दोबारा बता दूं एक दफ़ा, हाँ जी 14 है ठीक है, 14 है। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ बता देती हूँ, लेंथ इसकी कितनी, अच्छा इसमें जो है मेरे पास बड़ा साइज भी है, लेकिन वो अभी मेरे निकाल के नहीं रखा हुआ, चिकनकारी में ऑफ वाइट कलर है इसका ठीक है। इसकी जो लेंथ बनती है 30 और 31 के दरमियान में है, समझ लें 31 है ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा देख देती हूँ कितनी तक जाएगी टोटल, थर्टी वन तक जा रही है ठीक है, इसकी लेंथ 31 तक जा रही है। और ये वाली अगर किसी को चाहिए, ये छोटी बच्ची की है ठीक है, और ये आप लोगों को मिल जाएगी 1400 रुपीज़ से, 1400 से ये आप डन करवा सकते हैं। अच्छा इसमें यहाँ पर माइनर सा कुछ है मसला, अगर ये वॉश से रिमूव हो जाए तो देख लेना ठीक है, मेरा ख्याल है हो जाएगा शायद, ये देखें इस तरह से है ठीक है, 1400 रुपीज़ से ये आप लोग डन करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है लेफ्ट ओवर में डाली हुई है तो कोई मसला है, तभी तो डाली हुई है ना, बिल्कुल फ्रेश होती तो वो कभी भी ना डालते ठीक है। और सबसे पहली बात कि आप लोगों को इन्हें वॉश करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि मैसी भी हो जाती हैं ठीक है जी। ये मैंने आपको दिखा दी, सेकंड और थर्ड में आप लोगों के सामने शो करने लगी हूँ, ये देख लें ये है थर्ड, इनकी ना मॉडल पिक्चर आप लोग आउटलेट से देख सकते हैं ठीक है, ये भी जकार्ड पे बनी हुई है, बैक साइड से दिखा दूं, ये देखें इस तरह से ठीक है, बैक साइड से मैंने आप लोगों को दिखा दिया, नीचे देख लें इस तरह से लेसिंग भी हुई हुई है ठीक है, ये देखें ये लेसिंग हुई हुई है नीचे, और ये देखें इसके यहाँ पर डिजाइनिंग हुई हुई है, ये आप लोग देखें ये यहाँ पर जो है ना डिजाइनिंग हुई हुई है, और ये इस तरह से ये लटक रहे हैं, ये देखें टसल से लटक रहे हैं ठीक है, दोनों साइड्स पे, नीचे दामन वाली साइड पे ठीक है, ये देख लें ठीक है जी। अब इसकी नेकलाइन दिखा दूँ, ये इसकी नेकलाइन बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी, सारा इसके ऊपर जो है थ्रेड का वर्क हुआ है और सीक्वेंस का वर्क है ठीक है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है ठीक है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड इसकी नेकलाइन, और इस पर नेकलाइन के नीचे भी ये देखें इस तरह से ये टसल्स लटक रहे हैं ठीक है। 13 साल की क्या कह रही हैं आप, तेरह साल यार देखें, मुझे इस तरह नहीं पता कि 13 साल की बच्ची का कितना, यानी कि आप मुझे मेयरमेंट्स बता दें कि इतनी लेंथ में मुझे दिखा दें तो मैं उतनी लेंथ में दिखा सकती हूँ ठीक है, क्योंकि अगर आप 13 बोलेंगी 14 बोलेंगी, किसी की हाइट शॉर्ट होती है, किसी की थोड़ी सी टॉल होती है, तो वो फिर डिफरेंस आ जाता है, वो भी इतना आइडिया मुझे नहीं है क्योंकि पहली बार मैंने स्टिच उठाई है ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है मुझे लेंथ वाइज बता दें कि इतनी लेंथ में है तो फिर मैं देख लूँगी ठीक है जी। अच्छा ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये इसके मैं आप लोगों को टैग भी दिखा दूँ, ये इसका टैग है लग्जरी प्रीत का ठीक है जी, और ये बैक साइड से ये देख लें, ये इस तरह से ये डोरी लगी हुई है, ये देखें सारी ये डोरी लगी हुई है ठीक है, ये आप लोग देख लें बैक साइड से भी इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है ठीक है, और ये इसकी आ गई है स्लीव्स, स्लीव्स पे भी इस तरह से ये देख लें लेसिंग हुई हुई है ठीक है, और ये इसकी मैं अब आप लोगों को बैक साइड दिखा रही हूँ। अब इसकी मैं आप लोगों को चेस्ट साइज बता देती हूँ ठीक है, चेस्ट साइज और इसकी लेंथ, ये दो चीज़ें जो है मेन पॉइंट है। इसका जो चेस्ट साइज है 18.5 है ठीक है, 18.5 नहीं 18 नहीं, पूरा 19 तक जा रहा है, पूरा 19 है ठीक है, 19 इंच इसका चेस्ट साइज है। आप लोग जो है ना अपनी मेयरमेंट्स चेक करने के लिए ना इंची टेप हाथ में रखें, फिर आप लोग चेक करें। लेंथ इसकी जा रही है 40 तक ठीक है जी, लेंथ इसकी जा रही है 40 तक, बता दें क्या बताऊं यार, आपने पूछा क्या है यार, क्या पूछा था आप, दोबारा से मुझे मैसेज कर दें, कमेंट्स कर दें ठीक है यार। ये वाली शर्ट जिसे चाहिए 1800 रुपीज़ से ये मिलेगी, इसमें कोई भी डिफेक्ट मुझे नज़र नहीं आया ठीक है,
फ्रेश है ये वाला पीस, ठीक है जी। ये वाली आप लोगों को मिल जाएगी 1800 से, स्टिच है 1800 से ये मिलेगी। आप लोगों को पता है आजकल स्टिच के कितने पैसे ले लेते हैं बड़ा, यानी के, और एम्ब्रॉयडरी की भी है, फिर जकार्ड है फैब्रिक पे, ठीक है, तो बड़ा यानी के लो प्राइजेस में दे रही हूँ मैं। अच्छा एक ये देख लें, एक ये भी है, ये भी चिकनकारी के ऊपर है, बड़ी ज़बरदस्त, ये भी छोटी बच्ची की है, ठीक है, किड्स की है, ये है 3 से 4 साल तक का, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें आरफा रिवाज की है किड्स, और 3 से 4 साल तक की बच्ची की है, ठीक है। ये देखें इसकी मैं लेंथ आप लोगों को बता दूं, इसकी जो लेंथ बनती है 25 तक इसकी लेंथ है, ठीक है, 25 के बाद 11 इंचेस का चेस्ट साइज है, ठीक है। ये भी एयरलाइन फ्रॉक बनी हुई है और सारे इसके ऊपर जो है चिकनकारी हुई हुई है, ये देखें ये बॉर्डर जो बना हुआ है चिकनकारी का, ये फुल चिकनकारी है, स्लीव्स पे भी चिकनकारी हुई हुई है, ये बैक पे भी चिकनकारी हुई हुई है, ठीक है। अगर ये छोटी सी ब्रांड की आप लोग लेने के लिए जाएंगे, आप लोगों को पता है कि कितने की मिलेगी, 1500 से 1800 की, एक छोटी सी बच्ची की ले लेते हैं, या 2000 से 2500 में होती है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को जो है 750 रुपीज से मिल जाएगी, जिसे भी चाहिए 750 रुपीज से ये डन करवा सकते हैं, ये आप देख लें, ठीक है, 750 रुपीज से ये आप लोग डन करवा सकते हैं। इसकी मेजरमेंट्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अच्छा जी एक और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें यार इसमें से कुछ जो है ना वो थोड़ा सा स्टफ जैसे मोटा होता है, वो है कि आप लोग विंटर में वेयर करेंगे, ठीक है, कोई लोन के ऊपर है, ठीक है, और कुछ करंडी के ऊपर है, इस तरह से है। अच्छा एक ये देख लें, ये इसकी जो है नेकलाइन बनी हुई है, इसका जो साइज है ये लार्ज साइज में है, ठीक है, ये लार्ज साइज में है, और ये देख लें ये इसकी इस तरह से नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये इस तरह से इस पर चिकनकारी बनी हुई है, ठीक है, लेसिंग भी लगी हुई है और चिकनकारी भी हुई हुई है, और ये इस तरह से ये देखिए इस पर ये भी लटक रहे हैं, ठीक है, ये देखें, और ये बैन लगी हुई है इस पर, ठीक है, ये आप लोग देख लें चिकनकारी है। और नीचे की मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये नीचे की कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये देखो। अच्छा इसके भी आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये इसकी भी आप लोगों को यहाँ से सिलाई लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से बस, ठीक है, ये देख लें जस्ट ये सिलाई लगेगी इस पर, यहाँ पर भी और इस साइड पे भी होगा, हाँ जी इस साइड पे भी है। अच्छा यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक से पता नहीं थोड़ा बहुत निशान भी इतना वैसे फील नहीं हो रहा, ठीक है, ये आप लोगों को ये करना पड़ेगा। और ये देखें ये इसका दामन बना हुआ है, दामन आप लोग चेक करें कितना ज़बरदस्त चिकनकारी पे बना हुआ है, और ये जो है ना करंडी स्टफ पे है, ठीक है, ये देखें इसमें आप लोगों को करीब से इसका स्टफ दिखाऊं, इस तरह से करंडी स्टफ है, और ये इसका बॉर्डर दामन चेक करें चिकनकारी पे कितना ज़बरदस्त इसका दामन बना हुआ है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, और ये आ गई है इसकी स्लीव्स, ये इसकी स्लीव्स है, लार्ज साइज वाले से डन करवा सकते हैं, ये देखें ये इसकी स्लीव्स पे भी इस तरह से चिकनकारी हुई हुई है, और ये इस तरह से लेसिंग हुई हुई है, ठीक है। अच्छा इसका मैं आप लोगों को चेस्ट साइज बता देती हूँ, इसका चेस्ट साइज क्या है, काइंडली जो लोग भी डन करवाएं ना डिटेल्स वगैरह अच्छे से चेक करके फिर आप लोग जो है डन करवाइएगा। इसका चेस्ट साइज है 23 तक जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 23 तक इसका चेस्ट साइज जा रहा है, और इसकी जो लेंथ है लेंथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितनी लेंथ पे है, ये फोर्टी लेंथ है इसकी, ठीक है, पूरी 40 लेंथ है, ठीक है जी। ये वाली भी आप लोगों को मिल जाएगी 1750 रुपीज से, ठीक है, 1750 रुपीज से करंडी स्टफ पे ये वाली आप लोग डन करवा सकते हैं, जिसे भी चाहिए ये आप लोग देख लें,
नेक्स्ट मैं आप लोगों को शो करने लगी हूँ। अच्छा अब ट्राउज़र थोड़े से एक दो शो करती हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा सा फैंसी भी शो करूँगी, साथ के साथ सब कुछ दिखाऊँगी। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास जो है ट्राउज़र हैं, ये भी अनस्टिच हैं, ये देखें ये प्रॉपर यानी कि कटिंग में हैं, और ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरह से हैं। ये देखें ये नीचे जो इसका पॉइंचा है वो तो स्टिच हुआ है, ठीक है, और ये साइड की इसकी सिलाई लगेगी, ये देख लें, ये मिड की जो होती है ना, आसन कहते हैं उसे, ठीक है, ये देखें ये वाली सिलाई लगेगी इसकी, ठीक है, ये सिलाई लगेगी और इसका जो है ऊपर से ये यहाँ पर सिलाई लगेगी, ठीक है, जो नेफा होता है उसे जो बनता है वो बनेगा इस पर, ठीक है। इस तरह से ये आप लोगों को स्टिच करना पड़ेगा, ये देख लें, ठीक है, और इधर ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से बंचेस बने हुए, ये देख लें, वाइट कलर में है ये, ठीक है। सिस लॉन में फ्रॉक्स शो प्लीज़, लॉन में नहीं, अच्छा मैं देखती हूँ, करती हूँ, अगर मुझे नज़र आती है ना फिर मैं आपको कर देती हूँ शो, जैसे जैसे चीज़ें हाथ लग रही है ना वैसे वैसे दिखा रही हूँ। अनस्टिच ट्राउज़र है, समझ लें, आधा सिला हुआ है आधा नहीं सिला हुआ, सही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सिलाना पड़ेगा, ना इसकी कटिंग करवानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट दो सिलाइयाँ लगेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपने उससे करवा दूँगी, टेलर से, ठीक है, तो वो जो है 100 या 150 लेगी, तो वो आप लोगों को स्टिच कर देगी। अगर आप लोग खुद करना चाहें तो खुद दो सिलाई लगेगी, एक खुद ऊपर नीचे की खुद लगा लें, मसला हल हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं यार नहीं है वो, नो डाउट नहीं है, हाँ जी, अच्छा इस ट्राउज़र की मैं आप लोगों को लेंथ बता देती हूँ, क्योंकि नीचे से तो ये इसका पॉइंटर तैयार है, और इस ऊपर से जो है ये मैं फोल्ड करके, ठीक है, और इसकी फिर मैं आप लोगों को लेंथ बता देती हूँ कि ये इसकी तैयार लेंथ कितनी होगी। हाँ जी, अच्छा आ रही है मम्मा, यार दो मिनट ज़रा, बाय, नहीं चल रहा, अंदर से हो जाएगा।
अच्छा यार सॉरी, वेट करवाया मैंने इतना। अच्छा ये देख लें, अब मैं आप लोगों को ना इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी। ये इतना यानी कि हम रखते हैं इसको, इसकी लेंथ जो जाती है फिर वो 40 तक जाएगी। ठीक है, 40 लेंथ के ये ट्राउज़र बनेंगे। और इसका मैं आप लोगों को मिड से भी बता देती हूँ, मिड से जो इसका आसन है ना उसकी मैं आप लोगों को मेयरमेंट्स बता रही हूँ, उसकी मेयरमेंट्स जाकर बनती है। जाहिर सी बात है थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। ठीक है, फुल जो है 19 इंच तक जा रहा है। और थाई के पास से भी मैं बता देती हूँ इसकी मेयरमेंट्स, थाई के पास से इसकी जा रही है 14 तक। ठीक है, इस तरह से ये अनस्टिच ट्राउजर हैं जो आप लोगों को जस्ट ऊपर नीचे दो सिलाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, बंचेस बने हुए हैं इसके दोनों ट्राउजर के इस तरह। और ये आपको मिलेगा ईच जो है 650 रुपीज़ से मिल जाएगा। चले 600 रुपीज़ से दे दूंगी ओनली शेयरर्स को। ठीक है, नॉन शेयरर्स को 650 से मिलेगा। और दूसरा के अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं खुद ही ने स्टिच करवा दूँ, ठीक है, तो उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो टेलर को देने पड़ेंगे अगर कोई कहेगा तो, वरना फिर आप लोग खुद ही से करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक इसमें वाइट कलर है, एक इसमें है ब्लैक कलर। ठीक है, मेयरमेंट्स सेम यही है जो मैंने फर्स्ट ट्राउजर की बताई है। ठीक है, एक इसमें ये ब्लैक कलर है और एक इसमें है ब्लू कलर, एक इसमें ये ब्लू कलर है, ये देख लें। ठीक है, एक इसमें ये इस तरह से ये ब्लू कलर है। ईच ट्राउजर आपको 600 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि आप खुद स्टिच करवा दें तो 150 से 200 यानी कि इसके होंगे वो देने पड़ेंगे। लाइट कम है, लेफ्ट ओवर प्री लव्ड होती है, नहीं नहीं प्री लव्ड क्यों होते हैं, लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर होते हैं, रिजेक्टेड पीसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है तो वो उसे निकाल देते हैं फिर। ठीक है, कहीं पे जैसे स्टेन लग गया, कहीं से कटा फटा हो गया, कहीं से कुछ हो, उनके यानी कि उनके मुताबिक ना बनाओ तो उससे वो फिर लेफ्ट ओवर में फेंक देते हैं। ठीक है ना, प्री लव्ड नहीं होते वो। ठीक है, ये इसमें जो है तीन मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ये आप लोग देख लें कलर। और एक इसमें ये वाला ट्राउजर है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है, ये देखें सारे इसके ऊपर जो है थ्रेड का वर्क हुआ हुआ है, सीक्वेंस का इस पर वर्क है। ठीक है, ये वाला बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा है। और इसका जो स्टफ़ है ना जकार्ड टाइप है, ठीक है, लीलन जकार्ड जो होता है ना उस तरह से है इसका स्टफ़, ये देखें आप लोग। ठीक है, इसका जो है यहाँ से देखें ये स्टिच में है, ये देख लें आप लोग, ये स्टिच में है, जस्ट आप लोगों को ऊपर से इसका ये फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग देख लें, ये वाला ट्राउजर जिसे भी चाहिए ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा 950 रुपीज़ से, ये वाला ट्राउजर मिलेगा। ठीक है, 950 रुपीज़ से ये वाला आप लोगों को ट्राउजर मिल जाएगा, ये वाला देख लें आप लोग जिसे भी चाहिए तो। चले यार मैं फिर ना बाद में लाइव करूंगी क्योंकि बेटा जो है काफी ज्यादा तंग कर रहा है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी समझ में आए तो काइंडली स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।